यूपीएससी की परीक्षा होने के बाद जब रिजल्ट आता है तो एक बहुत ये माहौल बनता है कि किसने कहाँ पास किया, कौन क्रैक किया, किसने टॉप किया, तमाम बातें होती हैं। ये देखा जाता है कि टॉपर कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, लड़कियां हैं, लड़के हैं, किस स्टेट से हैं और कहाँ कहाँ के हैं, क्योंकि भारत की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं में से एक परीक्षा है जिसे लेकर के तमाम युवाओं के मन में होता है कि वो इस परीक्षा में बैठे। तो इसी तरीके से तमाम हमने प्रयास किया था पहले भी कि हम जो सफल होते हैं उनके कुछ आइडियाज ले आए, उनकी टिप्स लाए, उनके लिए जो तैयारी कर रहे हैं, जो उस लाइन में खड़े हैं। तो इसी कड़ी में हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं हरियाणा के नूह जिले के फैजल खान, इनसे हम ये बात समझेंगे, जिन्होंने 2021 की परीक्षा में 364वीं रैंक प्राप्त की है और इनका आईपीएस में सिलेक्शन हुआ है। बहुत बहुत स्वागत है आपका पोल टॉक पर। जी धन्यवाद। हरियाणा से जब कोई खिलाड़ी खेल में जाता है तो होता है कि तो हरियाणा है, हो गया, हरियाणा में तो खिलाड़ी नीरज चोपड़ा हो, चाहे तमाम खिलाड़ियों के नाम मैं लेना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन जब आप यूपीएससी क्रैक करके आए, यूपीएससी जब आपने परीक्षा पास की, तब आपको कैसा पहला रिएक्शन कैसा मिला फैजल जी? देखो हरियाणा, देखो किसी भी मामले में स्पोर्ट्स एजुकेशन हो, किसी भी मामले में कोई कम नहीं है किसी से। तो जब मैंने भी क्लियर किया था तो खासकर जो आसपास के लोग हैं, गुड़गांव जिला हो या नूह जिला हो, सब लोगों को बहुत खुशी हुई और बहुत गर्व भी महसूस किया लोगों ने कि किस तरीके से हमारे बीच जो लड़का रहता था वो किस तरीके से एक इम्पोर्टेंट पोजीशन पर गया है और वहाँ जाके देश की सेवा करेगा, अच्छा काम करेगा। देश की सेवा की बात कर रहे हैं और इसी तरीके से जो एक एज है, एज को लेकर बड़ा मैटर करता है कि आप, ये कहा जाता है कि हाई स्कूल में पढ़ रहा हो बच्चा तभी उसकी तैयारी शुरू करा दीजिए। तमाम हमारे यहाँ तमाम टिप्स देने वाले लोग हैं, कहते हैं बच्चे को 10वीं से शुरू करा दीजिए, 12वीं से शुरू करा दीजिए और देश सेवा का जज्बात भर दीजिए और वो आईएएस की तरह तैयारी करेगा, सेना जाएगा। आपको क्या लगता है कि आईएएस आईपीएस बनने का सपना तो सबका होता है, लेकिन क्या एज परफेक्ट होती जब आप वहां से तैयारी करना शुरू करें जो आगे तक आप सफलता की तरफ जा सकते हो? देखो इसमें सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा, आईएएस हो या कोई भी फील्ड हो, उसमें आगे बढ़ने के लिए एक आदमी की जो सोच होती है ना, वो कहते हैं कि ओपन माइंडेड रहना चाहिए, एक दूसरे बाकी लोगों से बातचीत करे, उनकी सोच, उनकी जो सोच है उससे उसका जब परिचय हो, तो ऐसा ना हो कि वो बंद दिमाग करके बैठा, जैसे बोलते हैं ना मेंढक के कुएं में रहता है, वो इधर उधर की नहीं देखता चीजों को, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो एक बेसिक अप्रोच है, वो तो आप बचपन से ही बच्चे के अंदर डालेंगे तो कहीं भी जाएगा, सफल होगा। और अगर यूपीएससी की परीक्षा सिविल सर्विसेज की बात करें तो इसमें मुझे लगता है कि एक सीरियस तौर पर न्यूज़पेपर और जो बुक्स हैं उसकी तैयारी शायद ग्रेजुएशन के टाइम करें तो मुझे बेहतर लगेगा, क्योंकि उससे पहले थोड़ा अर्ली हो जाता है, उससे पहले तो बच्चे को खुद पता नहीं रहता है कि मेरे को क्या चाहिए, पर अल्टीमेटली ये डिसीजन खुद का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी के परिवार में किसी ने बोल दिया तो आप बस लग गए उसमें, क्योंकि आपकी जिंदगी है, आगे आपको 30 35 40 साल जितने भी हैं आपको काम करना है, तो आपको अच्छा लगना चाहिए। तो वो रियलाइजेशन थोड़ी वक्त के साथ आती है, तो बहुत अर्ली एज में वो अगर किसी पे थोप दें तो भी ठीक नहीं है, और थोड़ा लेट हो जाता है तो फिर ये भी रहता है कि अगर ज़्यादा लेट की बात करें तो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें फिर ये रहता है कि मेरी सर्विस ड्यूरेशन है वो शायद कम हो जाएगी और मैं मे बी जो टॉप की पोजीशन है वहाँ प्रमोट होके मे बी नहीं पहुँच पाऊँ। तो ग्रेजुएशन मुझे लगता है कि एक सही सही टाइम है जहाँ पे इसका सीरियस प्रिपरेशन कर सकते हैं स्टार्ट। अब बात आपसे ही हो रही है, आपने सफलता प्राप्त की है, 364वीं रैंक रही है आपकी AIR, तो अब ये बताइए कि आपकी क्या एज थी, कब आप आए, आपका कैसे ये सफर शुरू हुआ, चूंकि आपसे लोग जानना चाहेंगे कि आपका क्या रहा है अनुभव। जी मेरा भी जैसे मैंने बताया, मेरा भी यही मानना था पहले से कि बहुत जल्दी भी शुरू नहीं करना है और बहुत लेट भी शुरू नहीं करना है, तो सीरियस से जो इसकी प्रिपरेशन की बात करें तो वो कहीं ना कहीं कॉलेज जब खत्म सा हो रहा था, फोर्थ ईयर के अराउंड धीरे धीरे मैंने चीज़ों को देखना शुरू किया और सीरियसली तो टाइम मिल नहीं पाया, तो निकलने के बाद ही मैंने IIT रुड़की से गया था, तो वहाँ थोड़ा सा काम हेक्टिक हो गया था, प्रोजेक्ट और उन सब चीज़ों के रहते हुए मैं उतना टाइम नहीं दे पाया जितना मैं चाह रहा था, तो मैं तो अल्टीमेटली ग्रेजुएशन के बाद ही जब मेरा हुआ 2015 में, उसके बाद मैंने डेडिकेटेड तैयारी शुरू की।
आपने जब IIT रुड़की की तो आपके मन में क्या उस समय ये था कि हमें सिविल सर्विस में जाना है, क्योंकि आप तमाम ऐसे उदाहरण हैं कि जो टीचर थे वो बन के आते हैं, कुछ कांस्टेबल बन के आते हैं, कुछ पुलिस की फोर्स में वहां से बन के आते हैं, कुछ ऐसे आप IRS अभी आपका सिलेक्शन हुआ था वहां से आते हैं, तो क्या ये प्राथमिकता में रहती है कि या सफलता की बात सोचते हैं नहीं हमको सिविल सर्विस की तरफ जाना चाहिए? नहीं नहीं ये तो देखो मेरे तो पहले से दिमाग में था, मतलब ऐसे तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड जो बोलते हैं पहले से ही था, इवन IIT में जाने से पहले भी नहीं ये कैरियर मुझे ठीक लगता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि वो एक उम्र ऐसी होती है जहाँ पे आपको खुद कॉन्फिडेंस नहीं होता अपने ऊपर, ये लगता है कि मैंने अभी ऐसा हासिल ही क्या किया है कि मैं इतने बड़ा डिसीजन ले लूँ। तो एक मिडिल क्लास फैमिली का कोई भी इंसान सोचता है कि एक बैकअप के तौर पर ऐसी स्कीम में ग्रेजुएशन तो हो जाए कि कल को सिलेक्शन ना हो तो कम से कम वहाँ जाके मैं अपना कैरियर सेट कर लूँगा, परिवार को आगे बढ़ा सकूँगा। तो वो चीज़ तो दिमाग में थी कि करना है, पहले से ही थी, IIT में जाने से पहले ही थी, बट वक्त थोड़ा उसके बाद ही मिला और फिर 2015 से मैंने शुरुआत की। तो 2016 में पहला अटेम्प्ट देने का मौका मिला, उसमें मेंस तक मैं पहुँचा था, प्रीलिम्स क्लियर हुआ। 2017 में मैंने इंटरव्यू दिया था, प्रीलिम्स मेंस दोनों क्लियर हुए बट इंटरव्यू में रह गया था मैं। फिर जो CSC 2018 का एग्ज़ाम है उसके द्वारा मेरा जो अभी सर्विस में हूँ मैं प्रेजेंटली इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इसमें मेरे को मिला। उसके बाद भी मैंने अगले साल भी दिया क्योंकि मेरी पहली प्रेफरेंस सर्विस प्रेफरेंस ISP रहती थी, तो मुझे था कि नहीं चलो वो नहीं मिला तो ट्राई करते हैं फिर से करते हैं, तो तब दिया। और उसके बाद अब जैसे अब मौका मिला तो मैंने फिर से दे दिया। तो सिलेक्शन के बाद भी मेरा फिर से भी हुआ था बट रैंक नहीं थी, और इस बार मैंने फिर से दिया है तो इस बार थोड़ी बेहतर रैंक है, तो उम्मीद है कि पुलिस सर्विस में चयन हो जाने का पूरा उम्मीद। अच्छा, अब एक तो उम्र की बात हो गई, टाइमिंग की बात हो गई और आपने कितने टर्म दिया, तीनों बातें स्पष्ट हो गई हैं। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि कौन सी ऐसी बात थी जो आपको दो तीन अटेम्प्ट जाने के बाद भी ये महसूस होता रहा होगा हाँ हमसे ये मिस्टेक हो गया, या आप उनको बताना चाहेंगे जो अभी लाइन में है जिससे पहले मैंने चर्चा की, जो लोग आपको देख रहे हो उनके लिए क्या कहना है कि आप तमाम कहते हैं 6 घंटे पढ़ा, किसी ने कहा मैं 7 घंटे पढ़ा, किसी ने कहा मैं 24 घंटे पढ़ा, एक तमाम वीडियो बनते हैं कि ये गाना सुना, वो म्यूजिक सुना, वो किताब को पढ़ा, आपकी क्या राय है इस मामले में? देखो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि अगर हम वो चीज करना चाहते हैं जो हमें पसंद है तो अपने आप आदमी मोटिवेटेड रहता है, अगर वो किसी के कहने पे जोर जबरदस्ती से कर रहा है तो फिर मुश्किल होती है उसको खुद ही करने। तो सबसे पहली चीज तो ये था कि मेरा खुद का इंटरेस्ट था तो मोटिवेशन मेरा कहीं ना कहीं वहीं से आता था कि मुझे करना है, क्योंकि मुझे लगता था कि ये जॉब है जो IIS की जो नौकरी है वो शायद मुझे पसंद आएगी, फील्ड में रहने का मौका मिलेगा, बहुत डाइवर्सिटी है, बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशनों में बहुत ही कम उम्र में जाने का मौका मिलता है, ये सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगती थी। और फिर मैं यही सोचता था कि आगे आने वाले 30-35 साल हैं तो कोई बात नहीं, 1-2 साल और लगा देते हैं, 1-2 अटेम्प्ट और दे देते हैं, तो वो एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो कहते हैं वो मेरे को हमेशा इसके फेवर में लगता था कि मैं फिर से दूँ। और फिर मेरे को हमेशा ये लगता था कि मैं बहुत ही थोड़े से अंकों से चूक रहा हूँ और मुझे हर बार कोई ना कोई गलती भी पकड़ में आ जाती थी कि नहीं मैंने ये गलती की इस बार, तो क्या पता इस पे काम करूँ तो हो जाएगा, क्या पता इस पे काम करूँ तो हो जाए। तो कहीं ना कहीं वो इंट्रोस्पेक्शन जो कहते हैं कि आत्मचिंतन और वो सारा जो काम है वो भी कहीं ना कहीं साथ चल रहा था, तो चीज़ें पकड़ में भी आ रही थी कि ये गलतियाँ हैं, इनको मैं अगर इन पर काम करूँगा तो आगे आने वाले 35-30 साल में जो काम करना है वो अपनी मन का शायद करने का मौका मिले। तो ये थी प्राथमिक जो चीज मैं कहूंगा जिसने मेरे को मोटिवेटेड रखा बार बार देने। जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे तो जाहिर सी बात है थकान भी होती है, तमाम बातें होती हैं, तो क्या ऐसी चीज रही जो आपको हमेशा इंस्पायर करती थी नहीं अब पढ़ाई के बाद यही करना है? तमाम लोग कहते हैं कुछ किताब पढ़ते हैं, कुछ लोग खेलते हैं, आप क्या करते थे? नहीं देखो मुझे तो हमेशा से ऐसा था कि ऐसा काम करने कि फील्ड में रहें, लोगों के बीच रहें, कॉमन मैन के बीच रहें। पता नहीं, मुझे भी खुद नहीं पता किस तरीके से अपब्रिंगिंग में कैसे वो मेरे अंदर घुस गई बात, बट मुझे हमेशा ऐसे अट्रैक्शन होता था, तो वो मेरे को बहुत जब भी मैं सोचता हूँ तो बहुत ही जुनून सा आता है अंदर से, तो वो हमेशा मैं सोचता था कि नहीं यार ये काम करने का मौका मिलेगा तो कोई नहीं, 1 घंटा और सही, 1/2 घंटा और सही, ऐसे ऐसे करके अपने दिमाग को कहते हैं कि दिमाग को बस बहलाने की बात होती है, जो नहीं भी पढ़ता है उसका भी कहीं ना कहीं दिमाग ही है, ऐसा नहीं उसके अंदर क्षमता नहीं है, और जो पढ़ता है वो भी कहीं ना कहीं वो अपने दिमाग को ही सही तरीके से बोल रहा है कि नहीं थोड़ी देर और थोड़ी देर और। तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने बताया कि जो मुझे करना था मुझे पसंद था तो उसी चीज़ को बार बार सोच के मोटिवेशन मिलता था। और इसमें कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें भी हैं, जैसे अब कोई थकान है
तो इसमें जैसे मैं दोपहर में लंच के बाद थोड़ी सी नींद आती है तो 15-20 मिनट की पावर नैप बोलते हैं जैसे, तो पावर नैप में लेता था। जैसे बहुत सारे देश हैं जैसे जापान वगैरह में तो काफ़ी पॉपुलर भी है, प्रमोट करते हैं वो कि आप बीच में एक रेस्ट ले लें ताकि पूरा दिन आपका फिर से आप के अंदर ऊर्जा भर जाए, एनर्जी फिर से आ जाए। तो ये कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें थी, खान पान का आप ध्यान रखेंगे और थोड़ा जैसे दिन के टाइम जल्दी उठ के थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे, बहुत ज़्यादा लेट ना उठे, तो अपने आप आदमी के शरीर भी साथ देता है मन के साथ साथ, जिससे वो ज़्यादा घंटे पढ़ सकते हैं। तो ये कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें भी मैं फॉलो करता हूँ।